आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट्स अ व्लॉग. आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आई एम गोइंग फॉर अ मूवी डेट विद माई सेल्फ. वाओ, नॉट वाओ एट ऑल. एक्चुअली मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए है, नहीं तो मैं क्या करूँ, अकेले ही जाना पड़ रहा है. बट मैंने सोचा यार एक अच्छा कंटेंट आइडिया है ये, शूट कर लेता इसे. सो उसके लिए अभी मैं हो रही हूँ रेडी. एंड मेरे दिमाग में एक और आइडिया है. आई एम गोइंग टू शूट अ रील वीडियो फॉर GRWM विद मी फॉर अ मूवी डेट. सो एक कंटेंट भी हो जाएगा है ना. एंड आप लोग देख भी लोगे कि मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ. उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ये बहुत ही बुरी तरीके से आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं. सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई ID. एंड इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, स्टेबल करते हैं इसे सबसे पहले तो. एंड अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, बिकॉज मुझे लेट नहीं होना है. टाइमिंग है 4:10. कंतारा मूवी देखने जा रही हूँ मैं. एंड मैंने सुना बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है. आजकल साउथ की मूवीज ये है जो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही है. सो ओके, आई एम गोइंग टू गेट रेडी. एक मिनट यार, हैव यू नोटिस गाइस कि मस्त फेस हो रहा है मेरा, कितना ग्लोइंग हो रहा है और कितना ज़्यादा क्लियर हो रहा है. वाओ, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्किन केयर. अगेन आई एम टेलिंग यू, स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू दैट ग्लो, स्किन केयर करो. ओके, अब मैं जा रही हूँ. ओके, सो आई एम रेडी. थोड़ी सी ठंड आ गई है दिल्ली में ऑलरेडी, तो मैंने ये ब्लेजर भी पहन लिया है. एंड आज मैंने सब कुछ H&M का पहना है. ओवरऑल आउटफिट अभी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ गाइस, बट दिखा दूँगी कोई बात नहीं. एंड क्योंकि ठंड आ गई है तो मैंने ये कोट भी पहन लिया है. और इवनिंग शो है वापस आते टाइम तक, यू नो अच्छे से ठंड लगेगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे मैं ओपन कर लूँगी अगर मुझे ज़्यादा गर्मी लगी तो. एंड नाउ मुझे निकलना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा पहले जाके मुझे थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह भी करना है. सो या आई एम गोइंग. ओके, राइट नाउ आई एम वॉकिंग. आई डोंट हैव कार, तो मुझे सबसे पहले तो यू नो ऑटो करना पड़ेगा, देन रिक्शा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मेट्रो से जाऊँगी. काफ़ी टाइम लगने वाला है, बस मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ. हम वॉकिंग राइट नाउ. अभी क्या है कि मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ गालिंदी के, बट जल्दबाजी में मैंने अपना मेट्रो कार्ड तक घर पे छोड़ दिया है. मैं कोई से कार्ड लेकर नहीं आई, वो तो जीपे वगैरह है मेरे पास, बट कितनी बेकार चीज़ है यार ये. मतलब जल्दबाजी में मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, मुझे टोकन लेना पड़ेगा. एंड मैं वेव सिनेमाज जा रही हूँ मैं भी, एंड उसके लिए मुझे अब टोकन लेना है. आई एम गोइंग टूवर्ड्स मेट्रो स्टेशन. मेट्रो स्टेशन पर ही हूँ, ऊपर जा रही हूँ. ऑफ दिस मॉल फाइनली आई गॉट दिस. सामने से तो काफ़ी अच्छे हैं, नहीं ऊपर का नहीं दिखेगा पूरा. वेस्ट साइड. ओके, आई लव टू विजिट मॉल्स बिकॉज गर्मियों में तो बेस्ट होता है, बट अभी ऐसा कुछ ज़रूरी है. बट स्टिल मतलब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है मॉल में. आई लव टू विजिट मॉल्स. सिक्स्थ फ्लोर पे है हमारा सिनेमा हॉल एंड मैं अभी लिफ्ट में हूँ. अमेजिंग ना, डेकोरेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है ये वाली. नाइट टाइम में और ज़्यादा अच्छा लगेगा. अमेजिंग, मुझे लग रहा है मैं वेव आई हुई हूँ, बट काफ़ी टाइम के बाद दोबारा विजिट किया. सी गाइस, यही मूवी देखने के लिए आई हूँ मैं. प्लीज़ अभी मैं मूवी हॉल में नहीं गई हूँ एंड मुझे पॉपकॉर्न के बिना मूवी बिल्कुल अधूरी लगती है. सो मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले पॉपकॉर्न ले रही हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लगी है. जल्दबाजी के चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खाया. सो या पॉपकॉर्न आई. सो मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतनी मस्त मिरर है एंड यहाँ पर मैं अपना पूरा आउटफिट दिखा सकती हूँ. पॉपकॉर्न है मेरे पास ऑलरेडी एंड अब मैं एंट्री ले रही हूँ मूवी की. मुझे लेट हो जाएगा, मिलते हैं मूवी के बाद. बाय. आई एम फाइनली इनसाइड सिनेमा हॉल और अभी तक मूवी स्टार्ट नहीं हुई है. मतलब मैं लेट नहीं हुई, मैं बहुत खुश हूँ. मुझे डर लग रहा था एक्चुअली जाम वगैरह देख के कि मैं लेट हो जाऊँगी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी बिकॉज कंतारा मैंने सुना है इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं.
आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। एक्चुअली मैं मूवी देख चुकी हूँ, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी और लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना अगर देख रहे हो। दिस डेकोरेशन आई मीन पर्पल लाइटिंग है पूरी बिल्डिंग पे, वाओ अमेजिंग। ओके सो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। राइट नाउ आई मिस हल्दीराम और हल्दीराम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ, तो मैं छोले भटूरे खा रही हूँ। छोले भटूरे मैं ऑलरेडी पहले भी खा चुकी हूँ हल्दीराम के, अच्छे होते हैं। एंड मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी, आज मेरा चीप डे है। 30 डेज में ये वाला डे इंक्लूड नहीं करूँगी मैं, तो मैं अभी मैं ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ, मैं अपने ऑर्डर के आने का वेट कर रही हूँ। आज पूरे दिन में कुछ तो हेल्दी खाया नहीं है मैंने, पर जूस पी रही हूँ मैं, और ये है पाइनएप्पल और मौसमी का जूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है और मुझे बहुत पसंद भी है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका के लिए चॉकलेट, हैप्पी बर्थडे। अच्छा मुझे किस तो करोगे ना? अब मेरे को किस नहीं करोगे, मैंने चॉकलेट दिया ना, मेरे को किस करो, किस सर? प्रियंका मुझे किस करने वाले, थैंक यू सो मच, मैं करूँगी। ठीक है, केक कट गया? नहीं कटा। नहीं कटा, कोई नहीं, अच्छे से इंजॉय करना, बाय। हे एवरीवन, सो फाइनली आई एम एट होम एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज मैं अकेले क्यों गई एंड मनी कहाँ है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक्चुअली मनी को स्टडी करनी थी एंड इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले इंजॉय नहीं कर सकते, कई बार हम लोग अकेले हो जाते हैं और हम सोचते हैं अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है, अकेले भी आप इंजॉय कर सकते हो। लाइक आज मैं करके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मूवी देखी मैंने, काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड फिर मैंने खाना भी खाया और देन ट्रैवल वाला ऑल पार्ट सब कुछ कर लिया मैंने, बहुत मज़ा आया। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को भी कोई नहीं मिल रहा है तो ऐसा मत सोचो कि आप अकेले इंजॉय नहीं कर सकते, अकेले भी बहुत मज़ा आता है। सो जाना अकेले, आई नो सबको नहीं पसंद होता है अकेले घूमना, ट्रैवल करना एंड एवरीथिंग, सब कुछ मूवी वगैरह देखना, बट ये मेरा दूसरा टाइम है जब मैं अकेले मूवी देख के आई हूँ, तो ठीक है, कोई नहीं, मज़ा आया मुझे। एंड अब कुछ है नहीं, देखो दोनों बहस कर रहे हैं मेरे घर में, मम्मी और काजल। वेल दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग, दिन निकल गया है, घर आ गई हूँ मैं, अब घर पे जो भी थोड़ा बहुत खाना खाना होगा सो खाऊंगी एंड आफ्टर दैट सो जाऊंगी। थक गई हूँ मैं वैसे, थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं थकी क्योंकि ट्रैवल भी उतना ज़्यादा नहीं किया मैंने, बढ़िया। दैट वॉज अ ग्रेट डे। बाय बाय एवरीवन, अगले व्लॉग में मिलते हैं।